दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर चैट देख रहे हो, ये बंदा बोल रहा है भाई 35 दिन का रिजल्ट है। चलिए हम रिजल्ट को देखते हैं 35 दिन का रिजल्ट कैसा आया है। तो भाई यहाँ पर देख लो, एक महीना मानकर चलो दोस्त, एक महीने में वैसे आपके बियर्ड एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आप लोग मिनोक्सिडिल जर्नी स्टार्ट करते हो ना। तो दोस्त तुम्हारे बियर्ड हो सकता है इससे भी अच्छे ग्रो हो जाए, किसी किसी को भाई बिल्कुल इससे भी खराब रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके देखो दोस्त, आपके भी ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर बायोटिन यूज करते हो। अगर आपको इनमें से मतलब नहीं पता है कैसे यूज करें तो दोस्त मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, आप लोग देख लेना। वैसे तो भाई स्टार्टिंग में सबके ऐसे ही बियर्ड आते हैं अगर आप लोग अच्छे से यूज करते हो तो। अगर दोस्त अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना, हो सकता है आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट है, ये मैक्सिमम एक महीने का रिजल्ट है, 5 दिन ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए हम दूसरा इमेज देखते हैं। तो दोस्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये दूसरा इमेज है, दोनों साइड में बिल्कुल सही बियर्ड आए हैं, डेंसिटी की कोई कमी नहीं है। ओके लेफ्ट राइट में दोनों डेंसिटी बराबर है। किसी किसी को शिकायत मिलती है अब्रार भाई मेरे एक साइड में थोड़े कम है और दूसरे साइड में यार शिकायत नहीं है, बिल्कुल मैं खुश हूँ, लेकिन पहले वाले साइड में मेरे को लग रहा है डेंसिटी कम है। इसका मैं सलूशन इस वीडियो में बताऊंगा, बट चलिए मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लो दोस्त, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये बंदा बोल रहा थैंक यू भाई मोटिवेशन देने के लिए, मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ। ओके देखो दोस्त, अगर आप लोग बिगनर हो ना तो यार देखो, जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना कुछ जानकारियां आपको ले लेनी चाहिए ताकि बियर्ड जर्नी में आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरा पीडीएफ दिखाता हूँ, यहाँ पर ये सब डिलीट हो चुके हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये रहा मार्स का मिनोक्सिडिल भाई फुल किट, ये बंदा बोल रहा है अब्रार भाई मैं फुल किट यूज़ किया हूँ। देखो दोस्त अगर आप फुल किट यूज़ करोगे ना तो सच में यार आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेंगे। ओके तो चलिए मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो भाई इन्हें पूरा रिजल्ट मिल चुका है और ये बंदा ना अपने बियर्ड को ट्रिम भी किया है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इनके बियर्ड आए हैं और जो बियर्ड ग्रो हुए ना धीरे धीरे भाई मोटे भी होते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लो, ठीक है। इस साइड में मैं बोला हूँ ना स्टार्टिंग में ही दोस्त, इनके जो बियर्ड है ना दोनों साइड में बिल्कुल बराबर तरीके से ग्रो हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लो ये बंदा क्या बोल रहा है, भाई मैं ना बियर्ड को ट्रिम कर लिया है। देखो भाई इस बंदे को पता चल चुका है अगर मैं बियर्ड जर्नी में अपने बियर्ड को लॉन्ग रखूंगा तो यार मिनोक्सिडिल ज़्यादा खर्च होंगे। और हाँ ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। जब मिनोक्सिडिल आपके खर्च होंगे तो भाई तुम्हें खुद पता चल जाएगा लॉन्ग बियर्ड में सच में खर्च होते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो दोनों साइड में इनके डेंसिटी में कोई शिकायत नहीं है, बियर्ड धीरे धीरे टर्मिनल और डेंसिटी होते जा रहे हैं, मुस्टैच इनकी ऑलरेडी पहले से बेहतर थी और जब से इन्होंने मिनोक्सिडिल जर्नी स्टार्ट किया तो भाई और भी बेहतर होते जा रहे हैं इनके मुस्टैच। भाई मुस्टैच में यार डेंसिटी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके चलिए थोड़ा मैं फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो दोस्त मिनोक्सिडिल लगा हुआ है, धीरे धीरे इनके मिनोक्सिडिल स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, जब आप लोग मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो ना तो ज़्यादा मत पोतिए गालों में, ठीक है। बस ज़रूरत जितना है उतना लगाइए, आप लोग एक्स्ट्रा मत लगाओ। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगा तो भाई मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेरे बियर्ड ज़्यादा घने होंगे। देखो दोस्त अगर आप दोनों साइड में अच्छे से मिनोक्सिडिल लगाते हो, अगर दोनों साइड में पूरा पोत लोगे तो भी उतना ही वर्क करेगा, अगर ज़्यादा लिमिट पार करोगे तो भाई दिक्कतें होंगे तुम्हें, हो सकता है ड्राइनेस बढ़ने लग जाए। ओके देखो कोई कोई बंदा होता है ना, उन्हें जब ड्राइनेस बढ़ने लग जाता है ना तो भाई बाद में धीरे धीरे जो ना कम लगाने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता रहता है मैं स्टार्टिंग में कितना ज्यादा मिनोक्सिडिल लगा रहा था। तो यहां पर देख लो दोस्त बियर्ड में कोई शिकायत नहीं है, जो इन्होंने अपने बियर्ड को ट्रिम किया था ना धीरे धीरे लॉन्ग भी हो रहे हैं। और तो मैं क्या शिकायत सुनता हूं, बहुत से लोग अपने बियर्ड को ट्रिम करते हैं उनके बियर्ड ना थोड़े लेट से ग्रो होते हैं, तो दोस्त ऐसे होते रहते हैं जर्नी में, 9-10 का अंतर आता रहता है, ठीक। चलिए मैं नेक्स्ट इमेज दिखाता हूं, यहां पर देख लो, वैसे तो भाई ये 4 महीने का रिजल्ट है, 4 महीने के हिसाब से भाई रिजल्ट में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, इनके जितने भी बियर्ड है ना उनके अंदर बेबी हेयर्स अभी बाकी हैं ग्रो होने के लिए, बहुत पतले बाल हैं। तो दोस्त चलिए मैं आपको थोड़ा चैट वगैरह दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सल्यूशन मैं आपको दूंगा, अच्छे से आप लोग सुनिएगा, ठीक। तो चलो भाई यहाँ पर देख लो भाई, 4 मंथ 10 दिन हो चुका है, मतलब भैया इनका 4 महीना 10 दिन हो गया है, अभी 2 महीना बाकी है, 2 महीने में तो भाई सच में तबाही आ जाएगी। जब 4 महीने में इन्हें इतने अच्छे रिजल्ट मिलने लगे तो भाई सोचो 2 महीना में क्या होगा। अब यहाँ पर देख लो बियर्ड काफ़ी पहले से बेहतर हैं और आप मुस्टैच के आसपास ना अभी पतले बाल हैं, बाकी सब जगह पर धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं। जो ये बियर्ड है ना अभी उतने भी मोटे नहीं हैं, समझ रहे हो ना, अभी पतले ही हैं। लेकिन हाँ 100% में तो दोस्त मान के चलो 55% इनके बियर्ड टर्मिनल हो चुके हैं, लेकिन मुस्टैच के आसपास अभी पतले बाल हैं, यहाँ पर कुछ कुछ बाल धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं। तो भाई आप लोग कंटिन्यू रखना, इस कंडीशन में आपके 100% जितने भी बियर्ड में शिकायत है दूर हो जाएगी। ओके चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये दूसरा मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से। अब इस साइड में देखो, मैं बोला हूँ ना स्टार्टिंग में ही इनके दोनों साइड में बियर्ड प्रॉपर तरीके से ग्रो हुए हैं, मुस्टैच भी पहले कनेक्ट नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे कनेक्ट हो चुके हैं। जब मुस्टैच के आसपास बियर्ड टर्मिनल हो जाएंगे तो भाई सच में एक अच्छा लुक निखर कर आएगा। ओके भाई ये 4 महीना का रिजल्ट है, 6 महीने बाद आपको 100% तीसरा अपडेट दूंगा, ये दूसरा अपडेट है और जो पहला अपडेट है ना उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। ओके चलिए एक पीडीएफ और है तो इसे मैं ओपन करता हूँ,
अब यहाँ पर देख लो ये नेक वाली है, तो भाई वैसे अंडर नेक के नीचे जो बियर्ड है ठीक ठाक है, बट यहाँ तक भाई कौन बियर्ड ग्रो करता है। जब आप लोग कटिंग वगैरह दिलाओगे ना तो भाई यहाँ से ये बियर्ड जितने गैप दिख रहे हैं वहाँ से जो है निकल कर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर गैप रहता है ना तो भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई भी बंदा बियर्ड अपनी नहीं रखता है, ठीक है। और राउंडिंग वाला जो डिज़ाइन होता ना, ये जो मैं सर्कल किया हूँ, यहाँ से आप लोग जितना गैप दिख रहा है आप लोग निकलवा देते हो, ठीक। तो भाई वैसे तो देखा जाए बियर्ड बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं, बस हाँ इस कंडीशन में लापरवाही नहीं करना होता है आप लोगों को। अगर हाँ आप लोग कंटिन्यू नहीं रखोगे ना तो दोस्त धीरे धीरे आपके क्या होंगे, एक एक बियर्ड के बाल धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, किसी किसी के भाई स्टार्टिंग में ही गिरने लग जाते हैं, किसी के थोड़े लास्ट में गिरते हैं, किसी किसी के बीच में ही एक एक बाल गिरते हैं। लेकिन हाँ ये जो प्रॉब्लम चलती है धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। अगर आप भले से मिनोक्सिडिल छोड़ दो ना तो भी आपके बियर्ड आ जाते हैं। बहुत से लोग हमारे चैनल पर इस तरीके का प्रॉब्लम बताते थे, बट मेरे को धीरे धीरे सब समझ में आ गया। भाई अगर तुम मिनोक्सिडिल सिर्फ 3 महीने लगाकर छोड़ देते हो ना तो भाई उस कंडीशन में बहुत से लोगों के बियर्ड गिरे हैं बट उनके भी बियर्ड वापस आ जाते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताया आज तक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इस टॉपिक्स पर मैं कई वीडियो भी बनाया हूँ, ठीक है। हमारे चैनल पर लगभग 406-407 वीडियो हो चुके हैं इस समय, तो आप लोग देख लेना टोटल कितने वीडियो हैं। और ये जो मैं प्रॉब्लम बताया हूँ ना, मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद भी आपके बियर्ड ग्रो होते हैं, किसी के लेट से आते हैं, किसी के मतलब भाई वही 3-4 महीने के बाद फिर से रिपीट करके ग्रो होने लग जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लो भाई रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट थोड़ा स्लो लग रहा है भाई। तो देखो दोस्त बियर्ड जर्नी में तुम्हें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पर देख लो ये पहली की रिजल्ट है, यहाँ पर जब इन्होंने बियर्ड ट्रिम किया था ना तो भाई थोड़े छोटे थे फिर ग्रो हुए। अब यहाँ पर देख लो ये तीसरा स्टेज है और ये चौथा स्टेज ये है, मैं आपको यहाँ पर अभी भी दिखाया हूँ पीडीएफ बनाकर जो इन्होंने भेजा है, यहाँ पर देख लो ये चौथा स्टेज है, ओके। चलिए थोड़ा ऊपर और चलते हैं और इन्हें क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो ये तस्वीर मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, ठीक है, ओके। अब चलिए यहाँ पर कुछ मैसेज थे तो भाई ने डिलीट कर दिया है। भाई रिजल्ट चेक करो, 2 महीना 10 दिन हो गया। तो भाई ये 2 महीना 10 दिन का रिज़ल्ट है, इन्होंने ट्रिम किया था उस समय तो धीरे धीरे इनके बियर्ड ग्रो हो गए थे, तो ये रिज़ल्ट है 2 महीने 10 दिन का। और वैसे ये बंदा फुल किट यूज़ किया है मार्स का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ से प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर देखो ये ट्रिम वाली है, ओके। यहाँ पर देख लो भाई ट्रिम करने से भाई बियर्ड सच में अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग ट्रिम किया हुआ बियर्ड पर भी थोड़ा बियर्ड वगैरह सेट कराते हो ना तो भी अच्छे लगते हैं। और हाँ ट्रिम करने के भाई बहुत फ़ायदे हैं, अच्छे से डर्मा रोलर आप यूज कर पाओगे, मिनोक्सिडिल अच्छे से घुल जाएंगे उसमें, मिल जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो भी कुछ हो, ओके। लॉन्ग बियर्ड रखोगे तो भाई दिक्कतें होती है, समझ में आ रहा है। और हाँ जर्नी कंप्लीट होने के बाद भाई जैसा मन करे आप वैसा बियर्ड ग्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बियर्ड जर्नी में अगर तुम्हारे बियर्ड ज़्यादा लॉन्ग है तो भाई तुम्हारा ही नुकसान है, मिनोक्सिडिल जल्दी खर्च होंगे, नेक्स्ट टाइम डिलीवरी जब तुम लोगे ना तो थोड़े लेट से हो सकता है तुम्हें प्रोडक्ट मिले तो भाई दिक्कतें होंगी, हो सकता है गैप वगैरह आ जाएँ, ठीक। एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, देखो भाई विंटर का सीज़न चल रहा है तो भाई आप लोग जब अपना फेस वॉश करते हो ना सुबह शाम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ गुनगुना पानी से आप लोग करना अपने फेस को वॉश, ठीक है। देखो भाई ठंडी में ना मतलब ड्राइनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे बालों में भी होते हैं और चेहरे पर भी होते हैं, बट अगर आप लोग गुनगुने पानी से वॉश करोगे तो भाई आपके ड्राइनेस चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। और हाँ आपकी जो स्किन है ना अच्छी दिखाई देगा, बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई देगा, ओके। तो भाई देखो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मार्स का ये बियर्ड वॉश शैम्पू का लिंक दिया हूँ, आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो। बट हाँ एक चीज़ सुन लीजिए, उसका स्मेल बहुत ही अच्छा है जब आप लोग यूज करोगे ना। देखो दोस्त अगर आप लोगों में से कोई यूज कर रहा है ना तो भाई स्मेल के बारे में ज़रा आप बता देना उसका स्मेल कैसा है। यहाँ पर देख लो फुल किट यूज कर रहा हूँ, मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर बायोटिन फेस वॉश, तो ये बंदा वही फेस वॉश यूज कर रहा है, ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और वैसे ये 4 महीने का रिजल्ट था, 4 महीने के हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल अच्छा है, ओके। चलिए भाई आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल के वीडियो में।